नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के कानपुर बनकी के बुड़वा के हनुमान मंदिर में भक्त कर रहे हैं दर्शन। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कानपुर बनकी हनुमान मंदिर में रात्रि 1 बजे हनुमान जी की आरती शुरू होते ही भक्तों के लिए पनकी हनुमान मंदिर खुला। हनुमान जी की आरती शुरू होते ही पनकी हनुमान मंदिर में भक्तों को दर्शन हुए। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कानपुर बनकी हनुमान मंदिर में बुड़वा मंगल के दिन कई जिलों से लाखों भक्त पनकी हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, पर कोविड के चलते इस बार पनकी हनुमान मंदिर के बाहर किसी भी प्रकार की कोई दुकानें झूला आदि नहीं लगा है। भंडारे पर भी प्रशासन रोक लगा दी है। पनकी हनुमान मंदिर में भक्त थोड़ी थोड़ी संख्या में अंदर जाकर दर्शन कर पाएंगे। बुड़वा मंगल पर पनकी हनुमान मंदिर के दोनों महंत कृष्णदास व जितेंद्र दास ने भक्तों को संदेश दिया व पनकी हनुमान मंदिर में आने वाले भक्तों को लेकर कल्याणपुर CEO दिनेश शुक्ला ने दी अहम जानकारी। कानपुर संवाददाता दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। महाराज जी, आज बुड़वा मंगल का पावन पर्व है, इस पर आप प्रदेश और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत साधुवाद अर्पित करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से शहर और प्रदेश में ये संदेश भेजना चाहता हूं कि आज बुढ़वा मंगल का पर्व है, हनुमान जी का पर्व है और अष्ट सिद्ध नौ निधियाँ जो भी हैं ये सब हनुमान जी महाराज को केवल प्राप्त हुए हैं। अतुलित बल धाम हेम सैलाव देयम धनुज बल किसानम ज्ञानी नामागृगण्यम सकल गुण निदानम बानराम दीसम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। भगवान राम के अनन्य शिष्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज हुए और आज हनुमान जी महाराज का बुढ़वा मंगल के नाम से ये महोत्सव शहर प्रदेश देश में भी मनाया जाता है, लेकिन अपने देश और प्रदेश पे ऐसी आपदा आ गई है, उस कोविड को मेंटेन करने के लिए हमारे नौजवान भक्त हनुमान जी के तमाम बहनें तमाम माताएं तमाम भक्त जो अपना इस संसार से शरीर छोड़ के चले गए हैं, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए कोविड की व्यवस्था के अनुकूल हनुमान जी के सभी भक्तों को आज दर्शन कराए जा रहे हैं। और हमने सभी भक्तों से चैनल के माध्यम से ये अपील की है कि आप अपनी आत्मसमर्पण, आपके भाव, आपके विचार, आपका समर्पण हनुमान जी के चरणों में होना चाहिए, तो भगवान के दर्शन आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान और सारे भक्तों को हनुमान जी की ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। आपका सेवक महामंडलेश्वर महंत कृष्णदास पनकी हनुमान मंदिर कटरा कान। तरीके से कोई मेला का आयोजन नहीं किया गया है, पूरी तरीके से जो परंपरागत मेला परिसर में दुकानें हैं वही दुकानें लगी हुई हैं। दूसरी चीज़ इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम लोगों ने किया है कि जो आपकी लाइन बार किया है एग्जिट और एंट्री वो अलग अलग करें, प्रवेश और निकास बिल्कुल अलग किया गया है, जिससे बहुत ज़्यादा भीड़ न रहे। एक रास्ते से प्रवेश होगा फिर दूसरे रास्ते से दर्शन करते हुए निकल जाएंगे। तीसरी चीज़ है मंदिर परिसर के अंदर जो हमारे पुजारी हैं उनसे हम लोग भी रिक्वेस्ट किया गया कि मंदिर में ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, 50 लोग से ज़्यादा ना हो और जो भी हो दर्शन करके फिर लगातार निकलते रहें। तीसरी चीज़ जिसमें हम लोगों ने पूरी तरीके से CCTV भी बहुत लगे हुए हैं और पुलिस प्रबंधन में 4 ACP और 6 SHO एक शिफ्ट में लगे हुए हैं और कई RRF भी लगी हुई है, तो और फायर ब्रिगेड है प्लस हमारी DFMT भी लगी है जिसमें हम लोग चेक कर रहे हैं किसी प्रकार से कोई चीज़ ना हो। तो सुरक्षा के साथ साथ में कोविड का भी पालन करते हुए हम लोग सही ढंग से करा रहे हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आप क्या संदेश? मंदिर में संदेश यह है कि कोविड का आप जहाँ तक हो सके मास्क पालन करें और ज़्यादा सट के न रहें, जैसे पूरा प्रबंध है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, बैरिकेटिंग प्रॉपर ढंग से है, आप आइए और थोड़ा सा दूरी बनाते हुए भगवान का दर्शन करिए और चले जाइए, ज़्यादा बिल्कुल कहीं से कोई समस्या नहीं होगी दर्शन के लिए। मैं तो उनकी लाइन अलग बनी हुई है जहाँ से प्रवेश होगा और निकास द्वार बिल्कुल अलग बना हुआ है, बिल्कुल सेपरेट है। दूसरी चीज़ महिला पुलिसकर्मी हमारे सादे वस्त्रों में जगह जगह एकदम तैनात हैं, जिसपे हम लोग उन पर भी देख नज़र रखी जा रही है, साथ ही साथ CCTV कैमरे भी हम लोग नज़र रख रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई महिलाओं की सुरक्षा संरक्षा पहले हैं और सारी चीज़ों को दर्शन करते रहें।